हे गाइस, मेरा नाम है दया और आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं बनी है, या फिर वो किस जो है होस्टिंग का यूज़ कर रही है और किस प्लगइन्स का यूज़ कर रही है, किस थीम पे वो बनी है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स हम निकालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेबसाइटें खुली हुई हैं, एक है ग्लोबल सॉलिडेज और दूसरा है amazon.com/.in। इन दोनों को आज हम टेस्ट करेंगे, इन दोनों के होस्टिंग को जानेंगे कि किस किस होस्टिंग का ये दोनों यूज़ कर रही है और किस किस थीम पे बनी है। अगर अमेज़न वर्डप्रेस पे बनी होगी तो उसके बारे में डिटेल मुझे निकाल के दे देगा किस होस्टिंग का यूज़ कर रही है। अगर ग्लोबल सॉलिडेज वर्डप्रेस पे बनी है, ये तो बनी है वर्डप्रेस पे, और इसके बारे में हम डिटेल निकाल लेंगे कि वर्डप्रेस पे बनी है तो किस थीम को यूज़ कर रही है, किस होस्टिंग का यूज़ कर रही है और किस प्लगइन्स को यूज़ कर रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसकी URL को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और चलेंगे, और यहाँ पे जो हम इसके URL को पास कर देंगे और इसको कर देंगे डिटेक्ट के लिए छोड़ देंगे, और एक नया टैब हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम अमेज़न के लिंक को पास कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें उसके प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये वेबसाइट को डिटेक्ट करके निकालता है उसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम ग्लोबल सॉलिडेज वाले इस पे जाते हैं पैनल पे और यहाँ देखते हैं, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दिया कि ये वेबसाइट जो है बिल्ड विथ इंट्राडा 123, मतलब इंट्राडा 123 जो थीम है उसका यूज करके ये बनी है, ये वर्डप्रेस पे बनी है, इसका ये साइन मुझे दे दिया है। और इसका होस्टिंग प्रोवाइडर जो है, देखिए यहाँ दे रहा है ये कि होस्टिंग प्रोवाइडर जो है ये WPX है, और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये है इंट्राडा थीम, जिस थीम का ये यूज कर रही है ये उसका लिंक मुझे दे दिया। और ये देखिए, ये वो होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका जो है ग्लोबल सॉलिडेज जो है यूज कर रही है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए स्कैन प्लगइन्स, यहाँ पे जाओगे आप तो ये सारे प्लगइन्स के बारे में आपको बता दिया कि किस किस प्लगइन्स को यूज करके ये वेबसाइट जो है अपने आप को बिल्ड किया है। अगर इधर हम जाते हैं amazon.com/.in पे, तो यहाँ देखिए ये साइट जो है वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, लेकिन ये होस्टिंग प्रोवाइडर का नाम मुझे बता रहा है कि ये amazon.in जो है amazon.com, जो कि खुद एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, उस सर्विस का यूज कर रही है। तो गाइस, ऐसा करते हैं, वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।